दिल में मेरे ख्वाब तेरे, हर बात सुनती हैं, हर बात मानती हैं। जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे। चार तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सन। आजम सियालकोट में पैदा हुए थे। तुम ही हो मेरी जिंदगी, बस तुम ही। चांदनी चांद से होती, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती, हजारों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल जो आपके साथ, मैं हूँ आपकी होस्ट कुत्सिया हसन। आज हम मौजूद हैं लानस गार्डन में। आज हम यहाँ पे मौजूद आवाम से करेंगे सवाल जवाब और करेंगे उनसे मज़े मज़े की बातें और उनसे करवाएंगे टर्न ट्विस्ट भी। चले चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे साथ से। जी सर, क्या नाम है आपका? मेहरान अंजुम। ओके, आज अपनी वाइफ को लेकर आप आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने क्रिसमस को। ओके जी, और कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ शेयर यही कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और खुश रहें और सारी टेंशन और परेशानियां भूल जाएं। नहीं, आज आप इतनी मैचिंग करके आए हैं, तो आप अपनी वाइफ के लिए कुछ शेयर करेंगे? जिंदगी एक मैचिंग है, इसलिए मैचिंग करनी चाहिए। माशाल्लाह, चले जी, बहुत अच्छी बात है और आप इतना अच्छा सोचते हैं। आप हमें इनके लिए कुछ सुनाए ना, कुछ अपने ख्याल जो आपके मैच होते हैं इनके साथ, वो ख्याल बताएं, अच्छी आदतें बताएं, कोई बुरी आदत बताएं। बस यही है कि अगर इंसान की शादी हो, मियाँ बीवी दोनों को मिलजुल के अच्छे तरीके से रहना चाहिए, ना कि ये सोचे जी मतलब बीवी आ गई तो इंसान डर जाए या नीचे। आप इतने फॉर्मल ना हो, आप डरे भी ना। आज आपको मौका मिला है बताने का, कहने का, खुल के बोलने। हाँ जी, आप जरा आगे आ जाए ना। सीन नहीं है कि पीछे डंडा रखा हो को, नहीं, वैसे ही अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, अपने मतलब के हम सफर के साथ अच्छी तरह गुजारना चाहिए, समझ के चलना चाहिए, ना कि अपनी मानो ना उसकी मानो। चलें जी, अब आप बताएं इनके बारे में। ये बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं हर लिहाज से। चलें, इनके लिए कुछ सुनाएं। इनके लिए मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे, जीवा सो साल। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? अरसलान अंजुम। आपका? मैम शमीम अरसलान। ओके, आज आप यहाँ पे आई हैं सैर करने, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। ओके, तो आप हमें बताएंगी, कुछ शेयर करेंगी? जी जी, और जीने दो। ओके, नहीं नहीं, इस पे हमें आप कुछ और भी शेयर कर सकती हैं अपने हस्बैंड के बारे में। खुद भी अच्छा लग गया कि जियो और जीने दो, दूसरों को भी उनकी लाइफ एंजॉय करने दो, खुद भी करो। ओके, आप सर? मास्क लगा के रखे हैं और बी सेफ रहे कोरोना। सर आपका मास्क कहाँ है? मेरा पॉकेट में मास्क है। तो उसे सर पॉकेट में रखने के लिए ना, इसको लगाने के लिए बोला गया है। क्या नाम है आपका? अरसलान जी। मैम आपका? किरण। क्या करते हैं आप? जी मैं घूमने आया हूँ, करता तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते? या पाकिस्तान में या बाहर। वैसे आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ। ओके, आप क्या करती हैं? मैं इनके साथ रहती हूँ। न्यूली कपल हैं आप माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। कुछ शेयर करेंगे? जी क्या शेयर करना चाहिए आप बताओ। आपके पास तो शेयर करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। पीने के लिए आया, एंजॉय करने के लिए आया यहाँ पर। न्यूली कपल हैं, आपके पास तो शेयर करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। चलो सुना दो। कैसा पुराना एक गाना है वो आता मुझे। जी जी जरूर सुना सकता हूँ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे। या तो आपको भी तो उनके लिए कुछ गाना चाहिए, कोई शेर सुना दें, कुछ भी। नहीं नहीं, नहीं। कोई बात शेयर करें इनकी, कोई अच्छी आदत। मुझे इनकी आदत ये अच्छी लगती है कि ये हमारी हर बात सुनते हैं, हर बात मानते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यानी इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके आगे जी जी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? मानत। क्या करते हैं आप? मैं पार्क वेस्ट में। ओके, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है मैम? मैं विश। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूं। ओके, तो आप फैमिली के साथ आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मामू हैं, मैं इनकी भांजी हूँ। ओके, तो सवाल करते हैं, देखते हैं आप उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आप हमें ये बताएं, 25 दिसंबर को क्या होता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस भी होता है, कायदे आजम भी पैदा हुए थे। कायदे आजम भी पैदा हुए थे, क्रिसमस भी है। चलें जी, अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? रायमा। रायमा, नाम बताएं। कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत ताकत दे,
ताकि आप भी ऐसे खिदमत करते हैं, खिदमत वाली बात है ना, यार किसी के साथ खुशी भी शेयर करते हैं, गम भी शेयर करते हैं, कोई हादसा भी हो जाए, कोई मसला भी हो जाए तो आप साथ साथ चलते हैं। आज आप यहाँ पे आई हुई, कैसा लग रहा है आपको लानस में? मैं तो थक गई हूँ। थक गई? क्यों थक गई है? चल चल के। औरतें तो बदनाम है कि बहुत ज्यादा बोलती हैं। इसी बात से बदनाम है ना कि बहुत ज्यादा, यही है माहौल बहुत खराब हुआ है हमारे मुल्क का, और यही है महंगाई है बहुत ज्यादा, और बच्चों के स्कूल्स के इतने ज्यादा मसले हो रहे हैं, घर में बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंप्लेंस तो बहुत ज्यादा है, अगर वो हमारी बातें सुने या समझे इन चीजों को, और बच्चों को और हमें कोऑपरेट करें, इस चीज को फॉलो करें और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। बताएं कि कहते हैं तुम कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं मालूम। सोचे सोचे तुक्का लगाएं। अपने घर में। सर यही कहना चाहता हूँ कि हमें कायदे आज़म के असूलों पे को अपना अमल करना चाहिए, अपनाना चाहिए, और जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर की है हमें भी उसी तरह करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है मैम आपका? मिसेस निसार। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। जी सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद निसार। क्या आप क्या करते हैं? टेक्निकल जॉब, टेक्नीशियन जॉब। ओके, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे? शेयर तो मैडम ही करती हैं ज़्यादातर। जैसे कि आज काइट डे है, तो मेरे ख्याल से बच्चों को लेके इन दिनों में निकलना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि क्या है आज के दिन, इवेंट्स का पता चल सके। इसी लिहाज से आज हम निकले हैं बच्चों को बताने के लिए कि जैसे कि आज 25 दिसंबर है, काइट डे है, तो इंजॉय कर रहे हैं। चलें, काइट डे पे आप निकली हैं बच्चों को लेकर, बहुत अच्छी बात है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों से और आपसे, देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। चलें बेटा बताएं, कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए थे? कायदे आज़म सोचे सोचे काची। ओके, कुछ शेयर करें। आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि शेयर आप ही करती हैं, तो इनके लिए भी कुछ शेयर करें। नहीं नहीं, कोई आप सॉन्ग सुनाएं, ऐसा तो नहीं होगा। दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, हो दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम। जी इन्होंने तो दिल दे दिया है। अब देखते हैं हमसे आगे मिलने वाले कपल्स या फैमिलीज हमारे साथ क्या शेयर करते हैं या कैसी बातें करते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरीशा फैसल। आपका क्या नाम है? अजान फैसल। ओके, आप साइकिल सीख रही हैं, मजा आ रहा है आपको? ओके, आप भाई हैं इनके? जी सबसे बड़ा। ओके, तो आप सबसे छोटा भाई है। ओके, क्या नाम है आपका? दिला। ओके, आप हमें ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? हम लोग यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं। घूमने फिरने आई हैं। ओके, तो आप हमें ये बताएं, आपसे क्वेश्चन करें, आप आंसर करेंगी? चले आप हमें कोई पोएम सुना दें। चलो मियां आती है आलू का, चलो मियां कहां गए थे सब्जी की टोकरी में सो रहे। नाजीन नाजीन, ये बच्चे तो हमें कुछ नहीं सुना सके, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें फैमिली। वालेकुम सलाम जी मैम, क्या नाम है आपका? सुंदस। सर आपका? गुलाम मुस्तफा। ओके, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। और मैम आप क्या करती हैं? मैं ब्रिटिशियन हूँ। चलें आपसे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप उसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं। 25 दिसंबर को क्या था? कायदे आज़म डे। ओके, कायदे आज़म डे से रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान, हमें ये बताएं कि कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए थे? कायदे आज़म। चलें हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि कायदे आज़म जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे पहले क्या थे, क्या बने थे पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान वज़ीर आज़म बने थे? नहीं नहीं, टर्न टू इस करवाऊँगी मैं, 5 टाइम आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, और आपने बिल्कुल नहीं रुकना है, बोल पाएंगे? एक ब्राउन ब्रोकन ब्रेड, ब्रेक बोन, ब्रेक बोन, ब्रेक ब्राउन ब्रोकन ब्रेड, ब्रेक बोन ब्रोकन ब्रेड, कोशिश करें, ब्रेक ब्राउन ब्रोकन ब्रेड, ब्रेक ब्राउन ब्रोकन ब्रेड, ब्रेन ब्राउन ब्रोकन ब्रेड, 5 टाइम बोलना है, ब्रेक ब्राउन ब्रोकन ब्रेड, ब्रेन ब्राउन ब्रोकन ब्रेड,
ब्रेक ब्राउन ब्रुक ब्रांड ब्रेक ब्राउन ब्रुक ब्रांड ब्रेक ब्राउन ब्रुक ब्रांड चलें जी, थैंक यू। राबिया बसित, क्या करते हैं सर आप? मैं बैंकर हूँ। आप आज यहाँ पे फैमिली के साथ आए हैं? हाँ जी। क्या करने आए हैं? बस इंजॉय करने आए हैं, मौसम और ओकेजन भी है, काइट डे है हमारा, क्रिसमस भी है जी। चलें, काइट डे आप इंजॉय कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप जवाब दे पाएंगे? कोशिश करूँगा। अच्छा, चलें आप ये बताएंगे, कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए थे? कायदे आज़म सियालकोट में पैदा हुए थे। आप बताएं, कराची में। वाइफ के लिए कोई सॉन्ग सिंग करना चाहेंगे? नहीं, देखें मैं सिर्फ अपना ख्याल यहाँ पे इजहार करना चाहूँगा कि देखें कि आप अपने माशरे में मोहब्बतें बांटें, दूसरों का ख्याल रखें, तब आपको माशरे में भी इज्जत मिलेगी, यहाँ भी और अगले जहान भी इज्जत मिलेगी। आपको शेयर करना चाहेंगे? मैं बस सेम टू। कोई इनकी अच्छी आदत या कोई भी कोई बुरी बात, आज आपको मौका मिला है तो आप शेयर कर दें, बता दें। नहीं, बुरी बात नहीं है कोई भी, अच्छी आदत है। अच्छी आदत शेयर कर दें। माशाल्लाह हम सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और फैमिली यानी दोस्तों की तरह हम सर रहते हैं। एक्चुअली गाने ज़्यादा याद नहीं रहते तो तुम ही हो, बस तुम ही हो मेरी जिंदगी, बस तुम ही हो। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदीक सिंह है जी। मैम, आपका क्या नाम है? रूबी। ओके, आज आप यहाँ पे कैसे आए हैं? यहाँ पे सैर करने के लिए, क्रिसमस का मौका है। ओके, तो बच्चे भी यहाँ पे, चलो एंजॉय हो रहा है, तो वैसे भी खुशी का मौका है तो आना चाहिए यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, हमें मज़ा आ रहा है यहाँ पे तफरी करते हुए। जी जी, आपका नाम क्या है बेटा? साहिल। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। ओके, कौन सी क्लास में? 3। ओके, आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं, आप आंसर देंगे? ओके, हमें ये बताएं कि 25 दिसंबर को क्या हुआ था? सोचें, सॉन्ग सिंग करें या कोई शेर सुनाएं। चांदनी चांद से होती, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती, हजारों से नहीं। चलें जी, थैंक यू सर। यहाँ पे हम प्ले एरिया में आ गए हैं और यहाँ पे मौजूद फैमिलीज से करेंगे मज़े मज़े की बातें। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज मौजूद हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हम करते हैं इनसे करवाते हैं, इनसे टर्न ट्विस्ट और करते हैं मज़े मज़े की बातें। क्या करती हैं मैम आप? होस्ट वाइफ। ओके, चलें, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारा क्रिसमस है, वो इधर हम इसकी खुशियां मनाने आए हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें आप बताएंगी कि 25 दिसंबर को और क्या हुआ था? वो कायदे आज़म पैदा हुए। कायदे आज़म डे। ओके जी, चलें आपसे कायदे आज़म से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसके जवाब दे पाती हैं आपके नहीं। कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए थे? कराची में। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे नानस गार्डन में, हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया, फैमिली से हमने की मज़े मज़े की बातें और उनसे करवाएं टर्न ट्विस्ट भी, और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा शो पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेक।